हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज मैं क्या बना रही हूँ ना, अब टाइम कितना हो रहा है, बज रहा है 7:45 और 7:45 बजे मैं बना रही हूँ। आज ये है मेरे पास साबूदाना, और साबूदाने से मैं क्या बनाऊंगी वो मैं किचन में दिखाऊंगी। और मेरा मन नहीं कर रहा, पर मुझे बनाना है क्योंकि पेट तो मांगता है ना, इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। हाँ जी, सही बात है, पेट मांगता है। हाँ जी, पेट पूजा बाद में काम दूजा। हाँ, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा है। पेट ये है साबूदाना, और मैं अब क्या बना के खाऊंगी, तो चलो इसको बनाते हैं, मिलते हैं किचन में। और हम शॉल को रखते हैं एक साइड और मिलते हैं किचन के अंदर। तो ये देखो, हमने रखी कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा पानी, और हम इस पानी को सुखा लेंगे। और बिटिया कर रही है बात किसी से, अपनी फ्रेंड से, तो थोड़ी सी आवाज आ रही होगी इसकी। और इसमें डालेंगे साबूदाना, और साबूदाने का मैं क्या बनाऊंगी वो मैं इसके बाद बताऊंगी। और बस चटपटा सा एक चटाकेदार बनाऊंगी, कुछ नया और स्पेशल खाने के लिए, तो वो मैं तैयारी कर रही। इसको ना हल्का हल्का ना मैं भून लूंगी। भूनने से क्या होगा कि ये साबूदाना हमारा पीसने में आसानी होगी, इसे पीस के बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा ये साबूदाना भून रहा है बिना घी, बिना तेल, बिना किसी औजार के हम भून रहे हैं साबूदाना। तो मैंने गैस को कर दिया बंद, और ये देखो साबूदाना हमारा बिल्कुल सफेद हो गया भून के। बस इतना सारा मैंने भूनना है, क्योंकि मैं अकेली खाने वाली हूँ इसलिए थोड़ा सा बनाऊंगी। इसको आप शिवरात्रि पर ही बना सकते हो, ये शिवरात्रि आ रही है ना 8 तारीख की, उसको ही बना सकते हो। तो मैं आज बना के खाऊंगी, और फिर मैं शिवरात्रि पर भी शायद बनाऊँ, हो सकता है। तो बस इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। ये हमने साबूदाने को पीस लिया, और ये ना पिस्ता बहुत आसानी से है अगर ये भून लेते हैं इसको। तो भूनने का कारण यही है कि हम इसको पीसते हैं, इजी पीस जाता है बस, और कोई कारण नहीं। ये थोड़ा सा मैं इसमें अदरक लूंगी, बस थोड़ा सा पीस, और इसमें मैं ये मिर्ची काट लूंगी, इसको ना दरदरा सा पीस लूंगी। तीन मिर्च डालूंगी इसमें, चटपटा सा बनाऊंगी ना, इसको मैं इसमें पीस लूंगी। तो ये देखो हमने इसको कूट लिया, और चम्मच से मैं इसको निकाल लूंगी, जितना है दरदरा सा अच्छा सा कूट गया। ये धनिया और मिर्च और अदरक को मैंने कूट लिया, और मैं इसमें डाल लूंगी। अब ये है मेरे पास में 2 आलू, और मैं आलूओं को इसमें कद्दूकस कर दूंगी। बस अब हमने साबूदाने में मिला लिए आलू। आलू आपको लगते हैं कम तो फिर और भी डाल सकते हैं, और मैंने इसमें 2 आलू मिक्स कर लिए हैं। आपकी मर्जी, आप जितना भी बनाओगे। जैसे मैंने इसको आधी कटोरी मैंने साबूदाना भूना था, और भून के इसमें मैंने आलू मिक्स किए हैं, धनिया मिर्च, ये सारा कुछ मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक आप जितना पसंद करते हो, और इसमें काली मिर्च डाल सकते हो। मैं इसमें हरी मिर्च डाल चुकी हूँ ना, बहुत तीखी मिर्च है, तो मैं इसमें काली मिर्च नहीं डाल रही। आपका मन है जरूर डालें। और ये शिवरात्रि पे भी इसको बना के ना हम लोग खाएंगे, और आज मैं भी बना रही हूँ एकादशी पे भी। तो इसको मैं मल के, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। चलो अब हमने इसको रेस्ट दे चुके हैं, अब हम इसका क्या बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा पेड़ा लेंगे, इसको हम गोल गोल करेंगे ऐसी ऐसी, बिल्कुल इसके अंदर क्रैक नहीं आ रहा, देखो बिल्कुल भी। अगर हमने हमारा जो डो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, और इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा। तो ये देखो ऐसे ऐसे हमने लड्डू से बना लेंगे। तो ये हमने बना के रख लिए अपने बॉल,
और अब हम क्या करेंगे, हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और इनको हम अभी सिकाई करेंगे। तो चलो सेकते हैं अपनी बॉल को। देखो तो जितनी इसके अंदर आएंगी उतनी डालें और थोड़ी देर इसको चलने दें, मीडियम पे फ्लेम मीडियम रखें और इसको ऐसे घुमा दें चम्मच की सहायता से। इसको ऐसे ऐसे नहीं, हम घुमाते रहेंगे। ये देखो हमारे ये बॉल्स हो गई तैयार, कितनी करारी और क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होंगी। ये हमने बनाया आज नाश्ता और जो बची है उनको भी मैं इसमें डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इनको हमने पकाना है। बस इनको ऐसे छोड़ देंगे। ये जो बॉल है इनको अलग अलग कर देंगे क्योंकि साबूदाना है ना थोड़ा चिपकता है, इसके लिए हम इसको ऐसे बना लेंगे। अब इनको पकने देंगे। तो ये देखो हमारा बनके हो गया फरार तैयार और अब हम जा रहे हैं खाने, कान्हा जी को भोग लगा के। और हमारी ये आज हमने बनाया है रात को खाने के लिए, ये व्रत में खाना है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर ट्राई करें, हर व्रत में अलग अलग बनाओ और खाओ। तो मिलते हैं। ये देखो हम व्रत वाला खा रहे हैं खाना। तो आपको कैसा लग रहा है? दही ले लो इसके साथ।